अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीतापुर से फोर्स की रवानगी शुरू हो गई है। गुरुवार को 10 उपनिरीक्षक सहित कुल 64 पुलिसकर्मी अयोध्या के लिए रवाना किए गए। दरअसल 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अंदेशा है। इसी को देखते हुए प्रत्येक जनपद से फोर्स मांगी गई है। सीतापुर से भी फोर्स की रवानगी शुरू हो गई है। अब तक जितनी फोर्स भेजी गई है उसमें रेउसा से अजय कुमार सिंह, मोहली से शैलेंद्र सिंह, मिश्रिक से अजय कुमार रावत, अटरिया से अवनीश कुमार, पिसावा से धनंजय शुक्ला, मछरेटा से अमित कुमार दुबे, लहरपुर से ऋषभ यादव, हरगांव से पवन कुमार मिश्रा, यूपी डायल 112 से धीरेंद्र सिंह चौहान, महमूदाबाद से अरविंद कटियार आदि उपनिरीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा 43 पुलिस आरक्षी और 11 महिला आरक्षियों को अयोध्या ड्यूटी के लिए भेजा गया है। यानी कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यूपी के सीतापुर की पुलिस फोर्स भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी, क्योंकि अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाए रखना पुलिस कर्मियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा की घड़ी है। पुलिस लाइन सीतापुर में एसपी चक्रेश मिश्र ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने, निर्धारित वर्दी और अनुशासित रहने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सभी को विनम्र और मधुर व्यवहार करना है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र का मेगा इंटरव्यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।